वेलेंटाइन डे वाले दिन दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर रही हैं बॉलीवुड की ये मशहूर सिंगर। बॉलीवुड में बीते दिनों से ही शादियां हो रही है। पिछले साल तो कई बॉलीवुड स्टार्स ने शादियां की है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास और सोनम कपूर, आनंद आहूजा का नाम शामिल है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने भी शादियां कर ली हैं। वहीं बीते दिनों से ही खबरें आ रही हैं कि सिंगर नीति मोहन भी जल्द ही शादी करने वाली हैं। नीति जल्द ही दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या से शादी कर रही हैं। नीति और निहार जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। बीते दिनों ही कंफर्म हुआ है कि इनकी शादी हो रही है। बताया गया था कि दोनों फरवरी में शादी कर लेंगे, लेकिन अब तक इनकी शादी की डेट नहीं आई थी। अब इनकी शादी की डेट आ गई है। खबर के मुताबिक ये कपल 14 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। वेलेंटाइन डे वाले दिन ही ये कपल शादी के बंधन में बंधेगा। दोनों के लिए ये दिन बेहद खास रहने वाला है। एक वेलेंटाइन डे है और दूसरा दोनों की शादी भी इसी दिन हो रही है। इन दिनों ये कपल शादी से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि निहार पांड्या और नीति मोहन जानबूझकर अपने रिश्ते और शादी की खबरों को उजागर नहीं होने दे रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि इनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हो, जिस कारण दोनों ऐसा कर रहे हैं। संगीत, मेहंदी और शादी में उनके करीबी लोग ही शामिल होंगे, जबकि रिसेप्शन का इनविटेशन इंडस्ट्री के सभी दोस्तों के पास जाएगा। हाल ही में निहार ने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी से डेब्यू किया है। इसमें निहार बाजीराव द्वितीय का किरदार निभाते नजर आए हैं। इस रोल के लिए निहार ने मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके अलावा वो ज्यादा चर्चित दीपिका पादुकोण के बॉयफ्रेंड के तौर पर रहे हैं। करियर की शुरुआत में निहार के साथ दीपिका रिलेशन में थी, हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था। वहीं बात नीति की करें तो वो बॉलीवुड की फेमस सिंगर है। वो कई सुपरहिट फिल्मों के गाने गा चुकी है, जिसमें से जब तक है जान, सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्में शामिल है। फिलहाल इनकी शादी का सभी को इंतजार है।